याद है, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोग ने क्या किया था यहाँ पे, dy by dx का इक्वेशन हम लोग लेके आते हैं, ओके एवरीवन लोग क्या। तो ओवर हियर इफ आई कंसीडर माय लास्ट टाइम का इक्वेशन, और एक बार आपको बता देता हूं, देन वी विल गो इनटू द इक्वेशन ऑफ द वेव और उस पे हम लोग सम ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, तो ओवर हियर इफ आई कंसीडर, लास्ट टाइम हम लोग ने इक्वेशन लिया था y इक्वल टू k y ओवर हियर इज इक्वल टू तो y ओवर हियर इज इक्वल टू जो हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था वो भी करेंगे हम लोग, ठीक है। जो मैंने आपने होमवर्क के लिए दिया था, मैंने होमवर्क नहीं दिया था बट आपने सॉल्व नहीं किया वो वाला, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो सॉल्व सचिव बोल रहा हूँ, एवरीवन ऐसा कोई इक्वेशन था मैं पहले ही रिवाइज कर देता हूँ, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ लुक हियर, सो इफ आई कंसीडर y is equal to a sin omega t minus kx plus minus i dot. तो velocity कैसे आया था? Velocity of the y was equal to delta y divided by delta x, which is sorry delta t. Sorry. तो partial differentiation किसके respect to कर रहे हैं? T. ठीक है. Dot out लोगे. So it will be equal to a क्या आ जाएगा? Omega अंदर का factor change होगा क्या? Cos omega t minus kx plus minus y dot, correct है ये? What was dy by या फिर delta y divided by delta x? इसे बोलते हैं, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, a minus k cos अंदर का फैक्टर से है omega t minus kx plus minus y dot, correct है? प्लस को माइनस को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डिवाइड करोगे तो cos में क्या कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। तो आपको लास्ट टाइम ये वाला टर्म आया था डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, अगर मैं दोनों सॉरी डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, अब मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं, कह रहा है राइट आंसर वे वेलोसिटी बराबर यही आया था। तो यहां पे ध्यान से देखो, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी विल बी इक्वल टू माइनस वे वेलोसिटी डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। दिस इज पार्ट क्लियर टू एवरीवन? ये एक बार डिफरेंशिएट करके आ रहा है, हम लोग और एक बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं, जब वी विल डायरेक्टली गो इनटू द सम। और एक बार डिफरेंशिएट करूंगा पोजीशन का हम लोग को क्या मिलेगा? वेलोसिटी। और एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। चलो तो और एक बार डिफरेंशिएट करता हूं सेम टर्म का, आप ध्यान देना, इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो कह रहा है डेल्टा स्क्वायर y / डेल्टा t स्क्वायर विल बी इक्वल टू, वापस ओमेगा बाहर आ जाएगा, बराबर है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स एन, तो माइनस साइन और ओमेगा बाहर आ गया तो माइनस सी ओमेगा स्क्वायर आ गया, अंदर क्या साइन का साइन कॉस का साइन हो जाएगा, अंदर का डेरिवेटिव रिमेन सेम माइनस के प्लस माइनस साइन और प्लस को माइनस को फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली मुझे बताओ कि डेल्टा स्क्वायर वाई बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये यहाँ पे माइनस किया आया था ना, माइनस के टू माइनस के क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो कह रहा है राइट दिस एज माइनस ए के स्क्वायर कॉस का वापस क्या हो जाएगा? साइन अंडर का फैक्टर चेंज हो के क्या प्लस माइनस पाई नॉट। कह रहे से दिस इज द इक्वेशन दैट आई गेट आफ्टर डेरिवेटिंग इट ट्वाइस, इसको दोनों को वापस डिवाइड कर देते तो क्या आ जाएगा? डेल्टा स्क्वायर वाई बाय डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी मैं ये सीधा राइट में लिख रहा हूं, कह रहे से ये पूरा ए ए कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन को ना कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सबका क्या हो गया है?
These are the two terms which are important for deriving the SH abbreviation. The second part आपने लिखा नहीं था, ठीक है? तो ये पहले लिख लो, last time का सब मैं लेता हूँ, ठीक है? ये थोड़े से PYQs भी लाए हैं आज, क्योंकि ये वाला chapter important है. हम लोग थोड़े से इसमें से previous year के question करेंगे, especially in JEE, ठीक है? Last time आपने equation based terms किए थे क्या? थोड़े से? ये डेरिवेशन अगेन आपको याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको इस पे सब साथ है, इसे फिनिशियल और फाइनल फॉर्मूला ये आपको याद रखना, ठीक है? लास्ट टाइम वाला भी सम करेंगे, बट और एक फैक्टर आज देख लेते हैं. देयर विल गो टू द सम दैट वी हैव कंप्लीटेड लास्ट टाइम. चैप्टर वैसे नेट पे इजीली आते हैं, आप नेट के देखो, इवन ऐसे पे मैसेज है, अगर आप नेट के देखो वे पीवाईक्यू, तो आपको सीईटी से सिंपल नेट में दिखेंगे. आई थिंक सो नेट के ज्यादा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुए रहेंगे, जो भी नेट का नेट के क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व है एज कंपेयर टू सीईटी. नेट में एकदम सिंपल आता है सेक्शन के. नेट के लिए ये सब चैप्टर्स आप अच्छे से करो, लेकिन इजी आते हैं. नेट के लिए जनरली जो क्वेश्चन पेपर है इजी, बट द कट ऑफ इज हाई, ठीक है? एंड जेडब्ल्यू के लिए उल्टा होता है, क्वेश्चन पेपर इज टफ बट कट ऑफ इज वेरी लो, ठीक है? दैट्स व्हाई वी हैव सम गुड सेट ऑफ डॉक्टर्स बट वेरी एवरेज सेट ऑफ इंजीनियर्स. So over here, we will go to the next part. Leave a line and write down. Velocity of a wave. ये शायद से आपने ऐसा सम किया है circular motion में. But before you go to that part, let us just revise something we have done in the SH. Just a minute. Okay. So we have completed this set. This type of sums in the SHM. Okay. Particle velocity वगैरह मैं और ही चलूँ. मैं derivation और एक बार समझा देता हूँ वो वाला. But derivation is not that important. ठीक है? Derivation important है, बस final दो formula जो आपको मैंने box करके दिए वाले part important. अब ध्यान से लें.
ये वाला जो डेरिवेशन है सिमिलर काइंड ऑफ सम आपने सर्कुलर मोशन में किया है। मैं सम पहले बता देता हूं कि सम क्या था, ठीक है, देन वी विल रिटर्न टू दिस पॉइंट। ओके, सो सम कुछ ऐसे था कि इफ आई कंसीडर अ रिंग एंड क्या हो, सो ओवर हियर, सो क्वेश्चन ये था कि एक रिंग है, this is rotating with an angular velocity omega, what is the tension in the ring? याद है ये फिर क्वेश्चन था आपके बुकलेट में, शायद नहीं शायद ये कोई तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था, I don't remember। तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि there is a ring, okay, of mass m, it is rotating with an angular velocity omega, what is the tension in the ring? याद है ये पूछा था, ठीक है, मैंने देखा आपका प्रेजेंटेशन, okay, looking, so over here if I consider looking था but over here we are going to check for a string, okay? If I consider a string, अब ये वाला जो formula है current है, this is applicable only for a string, a similar kind of formula will be applicable for other ways, okay? इसके बाद हम लोग आज के लिए mostly उसे sum से करेंगे, उसके बाद हम लोग sum chapter देखेंगे, ठीक है? So look here, so if I consider, अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है? This chapter is not over, ये 7 lectures लगेंगे, 7 to 8 lectures roughly, ठीक है? Not right anything, यहाँ पे नहीं। So, देखो अभी आपका जो चैप्टर है वो आधा अभी वेव्स आधा कर लेंगे, उसके बाद हम लोग साउंड देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड इट व्हाई, देन अगेन वी विल चेक वेव्स, ठीक है? तो ये कभी भी आपका अगर आप देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से अलग अलग चैप्टर बनते हैं, बट सब कुछ एक ही चैप्टर के अंदर आता है, दैट इज वेव्स, ठीक है? बट इफ वी गो टू दैट पार्ट, लेट अस जस्ट रिवाइज व्हाट वी हैड लास्ट टाइम। मुझे बताओ, इफ अ बॉडी इज परफॉर्मिंग, इफ अ बॉडी इज ऑन द पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, सो टेल मी पार्टिकल्स परफॉर्म या नहीं, उससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, बट लेट अस से कि स्ट्रिंग को कैसे ऑसिलेट कर रहा है, कौन सा वेव बन रहा है यहाँ पे, साइड वेव, एक्सेलेंट, साइड वेव है। ये वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन पोजीशन, ये ऊपर वाले पोजीशन को, अगर लेफ्ट राइट एक्सट्रीम हो जाएगा ये वाला कौन सा रहेगा, क्रेस्ट, ये वाला क्या रहेगा, साइड में बन रहा है, इन स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का कुछ तो मास रहेगा, सो यहां पे, बट स्ट्रिंग का मास बहुत हल्का होता है, सो वी जनरली डू नॉट कंसीडर इट्स मास अनलेस स्पेसिफाइड, ठीक है? आज चाहिए तो मैं इसमें टफ सम्स भी ले लेता हूं, बट इफ यू गो टू दैट पार्ट, अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, सपोज कि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऐसे कुछ वाइब्रेट हो रहा है, सो टेल मी साइड में बनेगा, let me consider a small part of a string over here with the mass dl and a length dl, ठीक है? मुझे बताओ अगर if I take this small part, if I take this small part, so instead of taking it as a sine curve, can I treat this as a circle? अभी यहाँ पे ध्यान, let me zoom in this part, यही part थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, so यही part में थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है? So let me consider, लेट मी कंसिडर अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग जिसका मास, यहाँ पे टोटल मास कितना ले लूंगा मैं, m, तो स्मॉल मास को जनरली में लिखते हैं, इसका स्मॉल लेंथ विल बी इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, dl, सर्कल की तरह दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट, मतलब आर्क ऑफ अ सर्कल, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, मुझे बताओ यहाँ पे इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर की तरह भी आने दो, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, here this is a small length, will it subtend a small angle, yeah, 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 let it be equal to d theta, ye pura d theta hai, isko main half aur half pe divide karta hu, to ye wala section kya ho jayega, d theta divided by 2, aur ye wala section kya ho jayega, ab yahan pe ye mass consider karke chalte hain, isko ab ye wale mass ke liye hum log baaki ka string ko ek equal mass ki tarah maan ke, matlab kya hota hai, ये वाला जो स्ट्रिंग है, it is pulling the string in this direction, correct है? It will experience a tension in this direction.
Similarly, the other side of the string will experience a tension in this direction, opposite direction. Can I say ये same direction में है क्या? नहीं. Opposite में है क्या exactly? नहीं. कुछ भी नहीं. एक angle बनाया. तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अगर angle बनाएगा तो components लेने पड़ेंगे. मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? Resolve करना पड़ेगा. Can I say this is d theta by 2. This angle will also be equal to d theta by 2. और ये वाला angle भी क्या हो जाएगा? D theta divided by 2. इसके साथ angle बनेगा. उसके साथ cos. इसके साथ क्या आएगा? t cos d theta divided by 2. इसके साथ भी क्या आ जाएगा? t cos d theta divided by 2. जिसके साथ angle ये बनेगा उसके साथ sin. तो ये downward component आ जाएगा. ये क्या आ जाएगा? t sin d theta by 2. Again this will be equal to t sin d theta divided by 2. Correct है. So tell me one simple thing कि ये t cos theta by 2 और ये t cos theta by 2. They're in same direction or in opposite direction? Okay. अगर opposite रहेगी तो add करेंगे subtract. दोनों की value same है या अलग है ना? Same है. देखो सब कुछ सेम ही है. t यहाँ पे cos d theta by 2 तो सेम ही है यहाँ पे. तो सेम ही अलग है? Same. Subtract करेंगे तो value कितना आ जाएगा? Horizontal component मतलब x axis में कोई भी component आएगा क्या tension का? Component से एक ही axis में आएगा कौन सा? Y. मतलब vertical मतलब Y. अब भी अगर आप देखोगे t sin theta by 2 t sin d theta by 2 same direction या opposite direction? Same direction. तो add हो गया subtract. Resultant क्या आएगा? कितने फोर्सेस है? तो t sin theta by 2 और t sin theta by 2 सेम डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन ऐड हो गया सब तरह तो टोटल कितना हो गया t sin d theta divided by 2 करेक्ट है इज इक्वल टू दिस प्लस दिस 2 हो गया इज इक्वल टू कह रहे हैं सेंट्रिपेटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है m स्क्वायर लिखो या dm स्क्वायर लिखो dm स्क्वायर डिवाइडेड बाय r ठीक है रेडियस को मैं कैपिटल r में ठीक है अब यहाँ पे ध्यान देना अगेन व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी इफ थीटा इज वेरी स्मॉल या याद आया इफ थीटा इज वेरी स्मॉल क्या हो जाता है साइन डी थीटा बाय 2 इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी थीटा बाय 2 करेक्ट है याद है हम लोग ने एसएचएम में भी किया था ठीक है और एक चीज डीएम अब यहाँ पे कहना है राइट ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन आपको कोई नहीं पूछेगा बट दिस टर्म्स आर इंपॉर्टेंट म्यू म्यू करके एक टर्म मैं लेता हूं मास पर यूनिट लेंथ कह रहा है से टोटल मास पर टोटल लेंथ और कह रहा है से डीएम बाय डीएल ऐसे भी लिख सकता हूं इसको करेक्ट है तो लुक तो डीएम का वैल्यू क्या आ गया यहां पे डीएम इज इक्वल टू म्यू इनटू डीएल करेक्ट है डेल इक्वल टू म्यू इनटू डीएल अब डीएल खुद क्या इन टर्म्स ऑफ आर आर डी थीटा ये आपने ये सब सर्कुलर से मैं उठा रहा हूं dl is equal to rd theta बराबर है ये तो सेम टर्म यहां पे क्या हो गया dm will be equal to mu into rd theta let this be equation 1 let this be equation 2 आप देखो क्या-क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं let this be equation 3 ये मैं थोड़ा ऊपर नीचे लिखा है बट चलेगा सो अब 2t आप देखो सबसे पहले sin d theta by 2 के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूं मैं is equal to right hand side देखो dm dm के जगह पे मैं क्या लिखूं mu r d theta और v square वैसे के वैसे नीचे क्या आ जाएगा r so can I say over here r r cancel हो जाएगा d theta cancel हो जाएगा 2 r 2 cancel हो जाएगा तो v square का value क्या आ गया यहाँ पे v square is equal to t divided by mu so v will be equal to root t divided by mu ठीक है this is the equation of a velocity of a वेलोसिटी इन द स्ट्रिंग अगर आप देखोगे साउंड भी तो वेरी है ना इसका भी सिमिलर फार्मूला आएगा बट आई विल टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट लेटर इसका जो पहले वाला डेरिवेशन किया था जिसके दो आउटपुट आए ठीक है वो डेरिवेशन आपको इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगर मैं और एक बार आपको बता दूं कि वो डेरिवेशन कैसे आया आई विल गो डायरेक्टली इनटू द न्यूमेरिकल सिंस दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन गो अहेड राइट क्या हुआ हां व्यू का वैल्यू दिया देगा बोलिए
कौन से भी प्लेन में, बट यहाँ पे हम लोग ने एम जी का फैक्टर पहले कर दिया, बराबर है, बोलिए जो मेरे डेल्टा वी बाय डेल्टा है जो जो आपने सेक्शन में रिवीजन ले लूंगा, ठीक है? आप सब दिन तो आप पहले से मैंने इसको पकड़ के चलो, वो दिन मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है? ठीक है, क्या बात है? ऐसे हर वीक से, हर वीक में मैंने से तो आता ही है। नेक्स्ट से आ रहे छुट्टी क्या आपको अभी का एक मैट है, उसके बाद कुछ है आपको तो पूरा क्वेश्चन पैक वगैरह सब ऑनलाइन दे दिया Thank you.
आप ध्यान से देखिए, we will go into the important sums, ठीक है? तो इसके पहले तो ये म्यू लिख दो, म्यू जो है उसको बोलते क्या है वो लिख दो, म्यू इज कॉल्ड एज मास पर यूनिट लेंथ, या फिर और एक चीज क्या बोलते हैं इसको, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है? वो यहाँ पे आपने सेम टर्म सेंटर ऑफ मास में भी किया, सेंटर ऑफ मास अभी जब आप फाइंड कर रहे थे आपने रॉड का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड किया था, मास पर यूनिट लेंथ कैसे फाइंड किया, इनफैक्ट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वैसे ही फाइंड किया, बराबर है? वहां पे आप लैम्डा लिखते हो यू के रिलेटेड, पर यहां पे मैं लैम्डा नहीं लिख रहा क्योंकि लैम्डा वेवलेंथ से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? तो म्यू लिख, बट है तो वो सेम ही चीज है, मास पर यूनिट लेंथ या फिर और एक चीज का बोलते हैं वहां पे लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है? लीनियर डेंसिटी या लीनियर मास डेंसिटी, जैसे लीनियर मास डेंसिटी होता है वैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी भी होता है, ठीक है? वो लेके आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करो, ठीक है? फ्लूइड्स के कितने लेक्चर हो गए, हो जाएगा, ओके एवरीवन। सो अब हम लोग सम्स पे जाएंगे, पहले तो हम लोग लास्ट टाइम का ही सम उठा लेते, सम क्या था वहां पे मुझे एक बार सब बता दो, y इक्वल टू 4 sin 2 y 10 तो भाई बाहर था, हां 10 t y x by 4 अब यहाँ पे देखो, now everyone के last में this type of sums are asked in the exam for me, तो आपको ये at least ये basic चीजें आपको आज आ जानी चाहिए,
Then we will go to the tops of that are asked in the JWT. Do not write anything down. सबसे पहले तो इसमें हम लोग को बहुत सारी चीजें कंपेयर करनी बोली है, शायद से टाइम पीरियड वगैरह भी पूछा है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द इक्वेशन फॉर अ वेव। उसके पहले इसमें मैंने चार पांच इक्वेशन लिखे हैं। अगर बॉडी अगर वेव राइट में जा रहा है तो एग्रीगेट कर दो मेरे से, अच्छे क्या लिखा है उसमें से कौन सा इक्वेशन यहाँ पे मैच हो रहा है मुझे बता दो। y is equal to a sine 2 pi multiply capital T minus 6 pi lambda by 2. Everyone, बराबर यही क्वेश्चन मैच हो रहा है। कोई भी क्वेश्चन मैच हो सकता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप इसके जगह पे एन टी वाला भी लोगे ना, मेरे भी सेम आंसर है। कोई भी लो आप, आंसर सेम ही आने वाला है। बस एक चीज का ध्यान रखना, ये माइनस का प्लस होगा तो चेंज हो जाएगा। फिलहाल के लिए माइनस का माइनस है तो ले दे। मुझे बताओ इफ आई कंपेयर दिस इक्वेशन, सिर्फ कंपेयर करता है और कुछ करना नहीं है यहां पे। एम्पलीट्यूड कितना आया? 4। टाइम पीरियड कितना आया? 1/10। ऊपर है ना, टाइम पीरियड कितना आया? 1/10। लैम्डा कितना आया? इजीली सॉल्यूशन पर तो अगर फ्रीक्वेंसी पूछा है तो ये 10 वर्ड्स हो जाएगा। बराबर है, करंटली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द यूनिट्स, यूनिट्स जो भी रहने दो, ठीक है। यूनिट्स में मैं करंटली इंटरेस्टेड नहीं। ये वाला इनिशियल पार्ट सबको समझ में आया? कोई भी डाउट है तो पूछ। राइट, ये ए पार्ट। बी पार्ट में यहाँ पे, बी पार्ट में यहाँ पे, ओके, इफ आई चेक द बी पार्ट, ओके, सो लो सी बी पार्ट। अब यहाँ पे देख, सो पी ना पी लो, क्या हुआ? अरे आतिम सर को मुझसे बोला था, मुझे साइड दो आतिम सर का भी। एरियन लुक हियर, सो बी पार्ट भी इजी है, ये भी सब सबको नीट में पूछता है। नीट में आपको पूछेंगे क्या, सिंपल है, ध्यान रखना कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप अपने मेथड से नॉट टॉप करके लास्ट में यहाँ पे देखो, अगर आप अपने मेथड से सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं एक इजियर मेथड और थोड़ा सा सिंपलर मेथड बता रहा हूँ, तो सॉल्व दिस क्विकली। कहना आपको आराम से वैसे जैसे दिया है वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। वाई इज इक्वल टू सेकंड, जिसका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछे सेकंड पार्ट में। वाई इज इक्वल टू जो इक्वेशन है वैसे के वैसे लिख दो, 4 sin 2 pi। अब स्मॉल टी का वैल्यू क्या दिया है? 0.05 दिया है, माइनस यहां पे एक्स का वैल्यू क्या दिया है? 1/4। समझ में आया? सिर्फ इतना आपको सब्स्टिट्यूट करना है, बट आपको साइन का टर्म्स थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों मैं बाद में देखता हूँ, ये क्वेश्चन में इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो कि 4 sin 2 pi 0.05 into 10 कितना हो जाएगा? 0.5 हाफ लिख दो, माइनस 1/4। डोंट टॉक, लुक हियर, इजी पार्ट है, बट आपको पहले इनिशियल सम्स में ध्यान रखना पड़ेगा। 4 sin 2/2 हो जाएगा, ये 1/4 हो गया, 2 और 4 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 5/2, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपको ऐसे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, सेकंड टर्म आपको इजीली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, सो ओवर हियर sin 5/2 मतलब sin कितना है? 90 डिग्री। तो sin 90 क्या आ जाएगा? 12। क्या आ गया वैल्यू? सबको ये समझ में आया? सेकंड पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वरना ये 5-6 सेक्शंस पे हो जाएगा, बड़ा चैप्टर भी है, ठीक है। बट लेट अस टेक सम टाइम और आराम से इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, वी ओमेगा एकदम सिंपल होता है। ए की जगह पे आपने जस्ट इक्वेशन लिखा है, क्या लिखा है? वी ओमेगा की जगह पे क्या जाएगा मुझे बताओ? एसएचएम में क्या आ रहा था? अगर x is equal to a sin omega t था, b क्या आ रहा था? a omega cos omega t। Everyone looking, SHM में अगर x is equal to a sin omega t था, तो velocity क्या आया था? a omega cos, अंदर का term change हो रहा है क्या? Similar, b omega will be equal to a omega cos, अंदर का term change होगा क्या?
सीधा पाई बाय 2 लिख लूं, cos पाई बाय 2 इज आंसर क्या आ जाएगा, सी। दिस इज क्लियर। एक सेकंड, सिमिलरली एक्सेलरेशन, इफ आई राइट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, नॉट ऑफ द वेव, ऑफ द पार्टिकल आ जाएगा, वेव वेलोसिटी को का ऑफ अ पार्टिकल आ जाएगा। सो ओवर हियर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल सेम SHM में करंट है माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन अंदर का टर्म चेंज होगा क्या? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि a तो मुझे पता है, a कितना दिया है, ओमेगा किससे आएगा, तो बाय बाय डी एक्सेल है, तो 2 पाई या फिर 2 पाई n लिख दूं, 2 पाई 2 n का वैल्यू कितना है 10 या फिर t सब्स्टिट्यूट करो सेम ही आएगा, साइन पाई बाय 2 इज 1, यहां पे क्या आ जाएगा आंसर, तो भी है 4 पाई का स्क्वायर, मतलब यहां पे आ जाएगा 16 पाई माइनस 16 पाई स्क्वायर माइनस 1600 पाई स्क्वायर, सो माइनस 1600 पाई स्क्वायर। दिस इज पार्ट क्लियर टू एवरीवन, पक्का क्लियर है, एक सब के सॉल्व हो जाना चाहिए, कोई भी इसमें डाउट है? गुड, यस सर, हेलो, देखो एक्चुअल लॉजिक है कि मुझे बार-बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मुझे पता है ना कॉस के अंदर का टर्म चेंज होगा, तो ये मैंने बताया कि अगर आप एक्चुअल वैल्यू लोगे तो आपको बार-बार डिफरेंशिएट करते जाओगे। सर चलो इनका वैल्यू देखो, बाकी सब कॉस के अंदर का टर्म से क्या, ओके एक्सेलरेशन SHM में अगर डिस्प्लेसमेंट y x = a sin ओमेगा t था, वेलोसिटी क्या आया था वहां पे, ये ओमेगा cos ओमेगा t आया था, और वापस एक्सेलरेशन क्या आया था, माइनस a ओमेगा स्क्वायर वापस था, माइनस a ओमेगा स्क्वायर वापस था, अंदर का टर्म तो चेंज ही नहीं होता, ठीक है, याद रखना अंदर का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, कॉस ऑफ वेव कहां पे जा रहा है, लेफ्ट या राइट, या राइट, लास्ट टाइम मैंने लिखा के दिया है राइट रहेगा ना, अगर ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो वेव राइट में जा रहा है, तो सेम चीज पॉजिटिव रहेगा तो लेफ्ट, सिंपल सा चीज है, याद रखना, लास्ट टाइम मैंने दिया भी था वो, अब देखो दो इक्वेशन लिखे हुआ है, थोड़े से आज टफ सब्स लेने वाला हूँ, ठीक है, सो बी प्रेजेंट इन द क्लास, बात अगर वही मैंने बताया एक्चुअली पार्शियल डिफरेंशिएशन ही आया है, बट अगर मैं देखूँ तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे टाइम लग जाएगा, मुझे पता है ना अंदर का टर्म तो चेंज ही नहीं होने वाला, तो अच्छा माइनस ओमेगा स्क्वायर है सीधा अंदर का टर्म से, एक्चुअल पार्शियल डिफरेंशिएशन से ही आ रहा है। मैं जो लिख रहा हूँ वो लिखना मत, अभी पहले कुछ तो लिखना आपको, ठीक, हम लोग
लास्ट में जितना कंप्लीट हो गया तो फिजिक्स की दुनिया में velocity of wave in a string. ठीक है, velocity equation wave या फिर wave equation and velocity of wave in a string. First लिखो ये वाला equation लिखो और हर एक equation में अभी एक ही चीज करना है. ठीक है, तो मैं बस first क्वेश्चन के लिए आपको मेन क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद सब में आपको एक ही चीज करना है. ठीक है, सो राइट डाउन आफ्टर दिस. क्या भाई, ये लिखो ना इक्वेशन, लिखो उसके आगे, लिखो इक्वेशन के आगे लिखना, फाइंड वेदर द गिवन इक्वेशन इज ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव, इज ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव, is of simple harmonic wave if it is shw, if it is shw then calculate its velocity, calculate its. ठीक है, इजी है इक्वेशन, केसेस फाइंड करके देखते हैं. मुझे बता भाई सिंपल हार्मोनिक वेव का इक्वेशन है या नहीं. फिलहाल के लिए देखो कोई कोई क्वेश्चन तो सीधा सीधा आ जाएंगे. अगर साइन कॉस रहेगा तो वेव इक्वेशन है. ठीक है, जरूरी नहीं कि रहेगा ही, बट हम लोग को देखो यहाँ पे दो चीजें मैच होनी चाहिए फॉर सिंपल हार्मोनिक वेव. दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने आपको बताया ये वाले सम्स आपको आते हैं मेंस और पहले नीट में भी आते थे, बट नीट में अभी थोड़ा क्वांटिटी कम हो गया है. ठीक है, ओवरऑल 2018 से नीट का पेपर कंपैरेटिवली इजियर आ रहा है. ठीक है, तो नीट में ये क्वांटिटी कम हो गया. ठीक है, नाउ लुक, so we have to find out whether the given equation is of the wave or other wave का equation में we have to calculate its velocity. everyone looking, अब यहाँ पे दो method है इसके find करने के. कभी कभी हम लोग को simply देख के पता चल जाएगा कि ये simple harmonic wave का equation है या नहीं. कैसे देखते, simple harmonic wave मतलब can I say it will give me the relationship between the particle velocity and the wave velocity या particle पोजीशन एंड द वेव पोजीशन. पार्टिकल कौन से पोजीशन में वाइब्रेट होता है, कौन से एक्सिस में वाइब्रेट होता है, y, वेव कौन से इक्वेशन में जाता है, x. ठीक है, तो अगर मेरे पास y और x का इक्वेशन है देन इट माइट गिव मी अ shw, जरूरी है देगा ही, ध्यान से सुन लो. अगर मेरे पास y और x के बीच में इक्वेशन है इट माइट गिव मी अ shw सिंपल हार्मोनिक वेव. ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ये क्या मेरे पास स्टैंडर्ड वेव का इक्वेशन है या नहीं है. अरे मेरे कौन सा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, y is equal to a sin 2 pi n t plus x by lambda. बताओ वेव राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट. यहाँ पे क्या आया प्लस, समझ में आ रहा है ये पार्ट, वेव तो लेफ्ट में जा रहा है क्लियर. ठीक है, माइनस आया तो राइट, प्लस आया तो के लिए तो प्लस आया. ठीक है, एटलीस्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन में कॉस आएगा तो बाद में देखते हैं क्या करता है, बट एटलीस्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन में तो यही है. तो अभी मुझे क्या चाहिए, अगर ये SHW है या नहीं है, ये तो सिंपली पता चल रहा है कि सिंपल हार्मोनिक वेव है. ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक वेव है तो मुझे इसमें और एक चीज क्या फाइंड कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक वेव तो है ये, तो ये था क्वेश्चन, तो इट इज SHW. ठीक है, तो इसमें मुझे फाइंड करना है इसका वेव वेलोसिटी. वेव वेलोसिटी कैसे आएगा, व्हाट इज द फार्मूला वेव वेलोसिटी, कितना
फाइनल यूनिट में क्या रहेगा मीटर पर। इजी है क्वेश्चन, एट लीस्ट इनिशियल पार्ट तो इजी है, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे टफ क्वेश्चन जिसमें आपको सीधा देख के पता नहीं चलेगा कि एसएचडब्ल्यू है या नहीं। फिलहाल के लिए करते रहिए। आगे आगे टफ क्वेश्चन आएंगे। ये सब सच्चे ही आते हैं एग्जाम में। बोलिए एसएचडब्ल्यू का सिंपल सा लॉजिक, अगर जो भी मेरा वेव है वो अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मैच हो रहा है तो एसएचडब्ल्यू, और अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मैच नहीं भी हुआ फिर भी हम लोग कैसे करेंगे थोड़ा आगे देंगे। ठीक है, अभी के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है एवरीवन लोग खेलो। अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये वाला एसएचडब्ल्यू है या नहीं चेक कर लो। एक्स इज इक्वल टू 4 साइन 60 प्लस पाई बाय 4, यह है या नहीं है? इज दिस अ सिंपल हार्मोनिक वेव, यस और नो? ठीक है, चलो 2 पाई लिख दिया तो मैंने आगे कौन सा फैक्टर आ रहा है बिटवीन
स्टेप पक्का क्लियर है, पहले आप किसका डिफरेंशिएट करोगे टी के साथ, जो है मैंने डेरिवेशन में किया वही करना है मुझे, बाद में किसके साथ डेरिवेट करोगे एक्स, दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं तो दोनों सॉरी दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, कैन आई से यहां पे -3/2 हो जाएगा इनटू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, मुझे बताओ वेव वेलोसिटी कितना हो गया यहां पे ये इक्वेशन के हिसाब से, यही वेव वेलोसिटी रहता है, वेव वेलोसिटी क्या आएगा 3/2, दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन। अब यहाँ पे देखो ये पहले हम लोग ने एक बार डेरिवेटिव लिया और एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे, इससे आपको वेव वेलोसिटी सीधा आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव इज फॉर कंफर्मेशन, ठीक है ध्यान देना, और एक बार डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका और एक बार डेरिवेटिव लोगे तो ज्यादा टर्म डेरिवेटिव है नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो, वापस 10 का डेरिवेटिव ऐसे करने से आ जाएगा, ठीक है -3 × -3 क्या हो जाएगा -10 कैसे होगा इनटू ई रेशो, अंदर का फैक्टर चेंज होगा क्या, समझ में आ गया, ये एक बार दूसरे टर्म डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट टू किया है टाइम, दूसरे बार किससे डिफरेंशिएट करेंगे, इज दिस पार्ट क्लियर, तो वापस 10 इनटू 2 इनटू 2 क्या हो जाएगा इज इक्वल टू ई रेशो 2x माइनस 3, वापस क्या करेंगे दोनों को तो डिवाइड करता हूं मैं तो डेल्टा स्क्वायर y बाय डेल्टा t स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 आया, डेल्टा स्क्वायर y डिवाइडेड बाय डेल्टा x स्क्वायर इज दिस v स्क्वायर 9/4 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू -3/2 द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर, तो SHW है या नहीं है, तो इन शॉर्ट SHW के लिए हम लोग को दो कंडीशन मैच करना है, एक बार डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे हम लोग को क्या मिलेगा वेव वेलोसिटी, सेकंड बार डिफरेंशिएट करके हम लोग को वेरीफाई करना है क्या वेव वेलोसिटी का स्क्वायर है या नहीं, दिस इज पार्ट क्लियर, कोई भी स्टेप अगर नहीं समझ में आया तो पूछो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको, इसके बाद में थोड़े पी वाई के उसके जाओ फिर आप कॉपी दिस आप सिर्फ इसमें एक ही बार डेरिवेटिव लेना, सिर्फ वेव वेलोसिटी फाइंड करना,
सेकंड वो आ ही जाएगा एस एच डब्ल्यू है क्या जाएगा आप ट्राई करोगे तो एस एच डब्ल्यू तो है ध्यान देना सिर्फ एक ही बार आपको डिफरेंशिएट करना है ठीक है और मुझे बस ए में से दिलाते हैं सर मुझे वेव वेलोसिटी लाके दो मुझे मतलब जो माइनस बी एक्स माइनस सी डी का स्क्वायर इतना 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 का स्क्वायर वो सी डी है हाँ बी एक्स माइनस सी डी का होल स्क्वायर बी एक्स माइनस सी डी का स्क्वायर है वो सिंगल ब्रैकेट है वो वेरीफाई मत करो बस एक ही बार आपको डेरिवेटिव लेना है कि आप सो रहे थे आज आपके डाउट्स को मैं इसके ये चैप्टर के क्लियर कर दूंगा वही चीज करनी है एक बार आपको टाइम से डिफरेंशिएट करना है एक बार एक्स से आराम से करो जस्ट टेल मी द आंसर क्या एक्सपांड करने की जरूरत नहीं बिना एक्सपांड किए ही हो जाएगा ये कर लिया डिफरेंशिएशन नहीं नहीं माइनस सी बाय बी है सी बाय बी है माइनस निकल जाएगा ना हां तो सी बाय बी आ जाएगा हां आया यस लास्ट में आया सो यहां पे क्या आया सी बाई बी पक्का आया सॉल्व करूंगा टोटल यस देखो यहाँ पे करना क्या है एवरीवन डेल्टा वाई देखो अभी ये आपको ये पूरा मैथमेटिकल पार्ट है इसको कुछ ज्यादा आप नहीं बस आपको डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा ए e के ऊपर का कोई e e x का डेरिवेटिव क्या आ जाता है e x तो e raise to minus d x minus d तो उसका ये टर्म कुछ भी चेंज होगा क्या इसका डेरिवेटिव लेंगे ये जो ऊपर बचा है तो उसका क्या आ जाएगा सबसे पहले तो ये x square है ना तो 2 d x minus d t बराबर है into क्या आ जाएगा अभी t के साथ डिफरेंशिएट करें तो बाहर क्या आ जाएगा minus 3 is this part clear to everyone? Oh.
यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी, ठीक है, तो वो माइनस टू है, तो आप एक ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी, क्या हुआ माइनस टू आएगा ना. Is this part clear? Basic derivative ही है. मैं और एक आपको sums दूंगा. Don't worry about this. ठीक है? मैं और आपको sums दूंगा. ध्यान देना. Now I will differentiate with respect to t के साथ क्या है? With respect to x. So delta y divided by delta x. यहाँ से देखो किसको first derivative भी नहीं समझ में आया तो देख लेना. एक constant है. बाहर आ जाएगा. E raised to जो भी रहेगा उसका power change होगा क्या? E raised to x का derivative e raised to minus डिवाइड करते हैं तो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू ये सब कैंसिल हो जाएगा माइनस से कैंसिल e कैंसिल यहां पे जो भी है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 2 into समथिंग ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा क्या राइट हैंड साइड में माइनस c और यहां पे राइट में क्या बचा b क्या रह गया दिस माइनस c बाय b तो वेलोसिटी वेव वेलोसिटी का वैल्यू क्या आया c बाय b हम लोग नेगेटिव साइन लेते हैं क्या दिस इज पार्ट क्लियर टू एवरीवन मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताता हूँ किस काम करना है बड़ा रिलेवेंटली ठीक है आपको खुद भी रियलाइज हो जाएगा कैसे फाइंड करना है इसलिए और एक दो सवाल लेते हैं अब यहाँ पे देखो मुझे या फिर डबल डेरिवेटिव लेके बताओ कि ये यहाँ पे SHW है या नहीं है ठीक है अब यहाँ पे देखो y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4x plus 318 दोनों डेरिवेटिव लेके देखो कि SHW है या नहीं अगर SHW है तो इसका वेव वेलोसिटी मुझे चाहिए ठीक है गुड एवरीवन शुड बी एबल टू सॉल्व दिस 1 बाय x का डेरिवेटिव क्या होता है और मैं x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्रिंटर लेता है क्या फर्स्ट आप क्या लिखा है बाई दिखाई नहीं मैंने कहा
पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन है सबका पहले के लिए क्वेश्चन आप फर्स्ट सेट क्या करोगे मुझे सिखा दो पार्शियल या कंप्लीट डेरिवेटिव क्या करेंगे और एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे तो
देखो हमारे पास डेरिवेटिव लेंगे तो वापस सेम ही टर्म आएगा, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, मुझे बताओ माइनस 1 बाय x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय x तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो भाई x क्यूब, ये वैसे भी फर्क पड़ रहा है क्या ऐसा कुछ, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव आया सेम डेरिवेटिव स्क्वायर y / dt स्क्वायर d स्क्वायर y / dx स्क्वायर सेम डेरिवेटिव यहां पे भी आएगा, बस यहां पे कौन सा टर्म का स्क्वायर हो जाएगा 4x + 3t द होल क्यूब, ये सेम ही आने वाला है, यहां पे 4 * 4 क्या होने वाला है 16, तो मुझे बताओ क्या ये वेरीफाई हो रहा है, यस d स्क्वायर y / dt स्क्वायर विल बी इक्वल टू कैन आई से 9 / 16 into d square y by dx square, क्या ये वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है, यस हो रहा है, 3 by 4 का स्क्वायर 9 by 16 है, हो रहा ना वेरीफाई, सो यहां पे क्या एसएच कर लिया है, यस अगर क्वेश्चन में दिया है सिर्फ वेव वेलोसिटी फाइंड करना है, अगर क्वेश्चन में दिया है सिर्फ वेव वेलोसिटी फाइंड करना है तो आप यहां तक ही रुकोगे क्योंकि आपको मिल रहा है ना सिर्फ, पर ऐसा जब है कि नहीं वेरीफाई करना पड़ेगा, बोलिए बताओ ना बट वो और एक क्वेश्चन आप कर लो, दैट वी विल बोलो बोलो ये देखो सिंपल आपको नहीं खरीदा है, ये स्क्वायर में है तो नहीं लेंगे इसको, तो डेरिवेटिव और एवरीवन शुड बी एबल टू सॉल्व दिस, ये तो सिंपल सा डेरिवेटिव है, क्या
मेरी बात होगी क्योंकि डेल्टा इजी है यहाँ पे तो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मेरे भी इक्वल टू एक्स माइनस टी बराबर है ये इनटू माइनस वन एंड डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इस इक्वल टू टू सेम अंदर का फैक्टर चेंज होगा क्या नहीं यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस वन तो ये वेलोसिटी अभी मैं सीधा लिख रहा हूँ माइनस रहेगा बराबर है अगर आप डिवाइड करोगे तो माइनस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स तो ये वेलोसिटी तो बना गया इन सबको क्लियर है और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो डेल्टा वाई डेल्टा स्क्वायर वाई बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर वाई सॉरी डेल्टा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर वाई बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पे बात टू डिवाइडेड बाय टू मतलब क्या आ जाएगा बात है या नहीं है एक लास्ट क्वेश्चन देन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इज एंड लास्ट ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ क्या शॉर्टकट में बता रहा हूं बट आपको एक चीज यहां पे आइडेंटिफाई करना जरूरी है दैट्स व्हाई कि एसएचडब्ल्यू है या नहीं है सेम सब का लेना गुड वन बाय क्या आया माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस टू माइनस बार है ना माइनस नहीं सॉरी ना तो प्लस टू टी का डेरिवेटिव क्या रहेगा टू और 2x का डेरिवेटिव 2 तो बनी है ना हां माइनस किससे तो है कि नहीं एसएचडब्ल्यू सॉरी बोलो 2x माइनस 3d करेक्ट है यार 3d वाला है देखो उसके लिए करना ही पड़ेगा डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा टी स्क्वायर नहीं है इस इक्वल टू नहीं है टू एक्स स्क्वायर ठीक है क्या हो जाएगा माइनस थ्री नहीं है माइनस थ्री माइनस थ्री नाइन आ जाएगा टेन बाय फोर है ना एंड शॉर्ट देखो फर्स्ट वाला शॉर्टकट तो आपको समझ में आ गया वेव वेलोसिटी क्या करना बेसिकली वेव वेलोसिटी क्या करना है आपको एक शॉट वेव वेलोसिटी के लिए टाइम का फैक्टर टाइम का जो नंबर है डिवाइडेड बाय टाइम का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय नेगेटिव टाइम का कोएफिशिएंट प्लस यहां पे क्या आ जाएगा
डिवाइडेड बाय एक्स का कोएफिशिएंट, दिस इज पार्ट क्लियर टू एवरीवन, इतना ही करना है, इज दिस पार्ट क्लियर? देखो टाइम का कोएफिशिएंट क्या है, तो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, इक्वल टू आ गया वेलोसिटी इंटीग्रेशन में भी लगेगा, थोड़ा भी बस मेक्स के लिए, ठीक है, आपको नेगेटिव में इतने टर्म्स नहीं आते, ठीक है, चलो राइट डाउन, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट, नहीं सेम ही है ना, स्ट्रिंग लगा के देखा तो दोनों एक साथ ही दिया ना, राइट डाउन, राइट डाउन Having tension. अभी सिंगल डिजिट नंबर बता दो 400 न्यूटन एंड लीनियर मास डेंसिटी कितना ले रहा है सिंगल डिजिट बता सिक्स ठीक है ग्राम पर सेंटीमीटर इसको तो मुझे पहले केजी पर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या कन्वर्जन हो जाएगा, 6 × 10⁻³ केजी का कन्वर्जन हो गया और सेंटीमीटर टू मीटर का 10⁻²⁻², बराबर है, क्या हो जाएगा 6 × 10⁻¹ केजी पर मीटर, ठीक है, वेलोसिटी वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय यू, टी का वैल्यू कितना, अबे सब्स्टिट्यूट करो 20/6 आ जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला आपने ऑलरेडी लिखा है, बराबर है, इसी है चलो धीरे धीरे हम टफ सॉक्स पे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओके एवरीवन लुक हियर, चलो फटाफट यहाँ पे देख लो, इसमें वेव वेलोसिटी फाइंड करो, ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, मास अटैच है, मास मूविंग है क्या, नहीं अगर मास मूविंग नहीं है तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स, बेटा एक्सेलरेशन तो जीरो है, थोड़ा सा एनएलएम अप्लाई करो, ये विल गेट द आंसर, ओके सॉल्व कर लो, अंडर 40 बाय चले करो, सो कैलकुलेट द मैक्स आंसर फॉर द नेक्स्ट वन 20 ऑफ द पॉइंट ना यार वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ
मैं जैसे कि मैंने ये स्किन को प्लग कर दिया ये वायलेट हो गया
right answer? They have given the length of the rope as, let us say, 80 centimeter.
बाकी सब डेटा सेम है, लेंथ ऑफ द रोप उन्होंने 80 सेंटीमीटर दिया और क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द वेव टू रीच फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। क्वेश्चन तो समझ में आया, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर अ वेव टू रीच फ्रॉम द बॉटम टू द सीलिंग। क्या करोगे आप, वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी क्यों कैलकुलेट, सीधा वेलोसिटी इज बटन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितने का है, वेलोसिटी तो ऑलरेडी फाइंड किया है, टाइम आ जाएगा ये पहले वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मास लेता तो मुझे उसका भी एमजी ऐड करना पड़ेगा, बट उसको मुझे यहाँ पे फैक्टर लेके ऐड करना पड़ेगा या फिर उसका एक स्मॉल मास लेके उसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है ओके। सो उस पे बस एक सम करेंगे, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ध्यान से देखना, आराम से सॉल्व करो ओके। राइट नाउ लास्ट क्वेश्चन है इसमें, उसके बाद फिर कंटिन्यू विद सम। राइट हेलो mass equally distributed as mass equally distributed over the length of simple value let us 50 cm over a length of 50 cm if its mass per unit length is calculate the time taken for a wave, to go from the bottom to the ceiling, बता एक्सटर्नल मास कुछ भी अटैच किया है क्या, इसका खुद का मास ही इसको टेंशन देगा। गुड, मतलब ऐसा रोप ऐसा अटैच है नीचे कुछ भी मास नहीं है, ठीक है सेंटर ऑफ मास देखो टाइम ओके। गुड, आपको कंपोनेंट लेंगे, कंपोनेंट क्या है, मिनिमल मास लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा आपके डिफरेंशियल मास का। गुड, ये क्वेश्चन आया था जेडब्ल्यू First, try this question. Component, Leno. Component.
कंपोनेंट है ना, मतलब मास का कंपोनेंट है ना, स्मॉल मास फिर वो बाद में मिला वैल्यू लेके आपको यस एलिमेंट लेके आपको कॉल करना पड़ेगा। ओके यहाँ पे देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है रो पे। सो यहाँ पे वेरी वेल लुकिंग। सो ओवर हियर क्या इसे एक मैं कंपोनेंट ले लेता हूँ या फिर एक छोटा सा एलिमेंटल मास ले लेता हूँ मैं। Let the mass be equal to dm. Let its thickness or let its length be equal to dm. Its distance from the bottom, bottom से लो या top से लो फर्क नहीं पड़ेगा। Same ही answer है वाला। Let it be equal to x. वे center of mass पे नहीं लेना, कोई भी एक arbitrary position पे लेना। यहाँ से लेके top तक का distance कितना है? L. Correct है? अगर यहाँ पे चलेगा same है। अगर ये मैं x ले तो ये l minus x आएगा। बाद में मुझे integrate करना पड़ेगा। Same ही answer होगा। ठीक है अभी यहाँ पे देखो। नाउ प्रीवियस क्वेश्चन में जो टॉप का स्ट्रिंग था, प्रीवियस क्वेश्चन देखो एक बार, टॉप वाले स्ट्रिंग में टोटल टेंशन कितना आया? चेक करो प्रीवियस क्वेश्चन में टॉप वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना आया? a2 इज बट m1 प्लस m2 जी। तो जितने भी उस स्ट्रिंग के नीचे के मास रहेंगे सब ऐड हो जाएंगे। क्या स्ट्रिंग के ऊपर का मास ऐड होगा? सो अब यहाँ पे Let the mass per unit length, mass per unit length कितना नहीं हो रहा है? Mu is equal to, can I write this as m by l, total mass per total length? Otherwise I can also write this as dm by dx, बराबर है ये। So dm का value क्या हो जाएगा? Mu into dx, इसको फिर आज के लिए ऐसे ही रहने दो। We will use this component a little bit later, ठीक है? उसके बाद, जो ये component है, उसके नीचे का मास कितना है? उसके नीचे का लेंथ कितना है? x। पूरे बराबर कह रहा है राइट दिस एस बराबर कह रहा है। इससे ये वाले सेक्शन का अगर मास में m1 लिख देता हूं तो कह रहा है राइट दिस एस m1 इज इक्वल टू μ * x बराबर है ये। तो ये वाले पार्ट के लिए टेंशन कितना हो गया? कह रहा है राइट वेला ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेंशन लिख देता हूं। टेंशन का फार्मूला क्या रहता है? m * g बराबर है। तो m1 * g दैट इज इक्वल टू μx * g बराबर है ये वाला पार्ट। यहाँ तक डाउट है तो पूछ। ठीक है वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? t डिवाइडेड बाय रूट बाय मीन। b का वैल्यू अगर अभी मुझे टाइम चाहिए ना तो टाइम क्या आ जाएगा? b को मैं dx / dt लिख सकता हूं। अटेंशन को मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? μx * g डिवाइडेड बाय μ आ जाएगा बराबर है ये। ठीक है μx * g बराबर है ये वाला पार्ट। तो ये म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। सो कैन आई से 1 बाय रूट x इनटू dx इज इक्वल टू रूट g इनटू dt बराबर है। म्यू और म्यू कैंसिल हो गया, क्या बचा? ऊपर रूट x बचा। x को मैं नीचे लेके आता हूं क्योंकि इंटीग्रेट करने से पहले dx के साथ x होना चाहिए ना, और रूट g ऊपर का ऊपर ही है। यहां तक क्लियर है सबको? ओके इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को टाइम चाहिए ना टोटल, क्या करना पड़ेगा? रूट g का इंटीग्रेशन, रूट एक्स का 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स रेशो माइनस हाफ प्लस वन क्या हो जाएगा? प्लस का डिवाइडेड बाय हाफ। इसी के इंटीग्रेशन याद रखो, ठीक है? ये बार बार मैं नहीं बोलने वाला। ओके रूट एक्स डिवाइडेड बाय हाफ और रूट जी का इंटीग्रेशन एक्जेक्टली कॉन्स्टेंट है ना, तो क्या आएगा? रूट जी इंटू टी आ जाएगा। तो टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? टी। ओके तो अब इसके बाद
एक्स का एक्स के अभी मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा कहां से कहां तक जीरो से लेके एन तो टू को ऊपर क्या मिलेगा टू रूट एन इज इक्वल टू रूट जी इंटू टी तो टी का वैल्यू क्या आ गया टू रूट एल बाय जी ठीक है और यहाँ पे एल दिया है जी दिया है डिवाइड कर लो आंसर आ जाएगा ठीक है So, over here, value substitute करो n का क्या है n कितना दिया 400 पास फॉर मार्क्स तो वैसे कुछ यूज नहीं है आपको एरिया देगा बट एरिया का फिलहाल के लिए तो जरूरत नहीं है वैसे ये वाला इसके बाद क्या स्टेप रूट एक्स है ना रूट एक्स है तो क्या लिखूंगा वन बाय एक्स रेस टू हाफ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स रेस टू माइनस हाफ तो एक्स रेस टू माइनस हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस वन यही होता है इंटीग्रेशन तो एक्स रेस टू माइनस हाफ प्लस वन इज प्लस हाफ तो सब मतलब एक्स का रूट ऊपर और एक क्वेश्चन आया था आपको राइट डाउन Write down the next question for chalo values alag rahenge but data se for a given string having density for a given string having density second question bata do please 2000 kg per meter cube density is 1000 pe hota hai na meters ke liye matlab 2000 kg per meter cube kg per meter cube and radius 4 millimeter sir radius hai स्ट्रिंग का शेप क्या होता है सिलेंडर का होता है ना तो रेडियस तो करो रेड फोर रेडियस फोर मिलीमीटर कैलकुलेट द वेलोसिटी व्हेन टेंशन इज
when the tension is when the tension is stable is 100 newtons. 100 newtons. The tension is 100 newtons. Good. वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, देखा है ना आपने? इंग्लिश फाइव यूनिट्स अगर आप बाद में देखो, पहले तो आप वैल्यू लेके आओ, फॉर्मूला लेके आओ। तो डेटा मैंने नहीं you can pass that at then yes sir oh baad mein ho conversion wagera baad mein dekhna formula mujhe aa gaya kya फॉर्मूला सिस्टम का अंतर आ जाएगा क्या फॉर्मूला करेक्ट है D by mu. By. Okay. सब नोट कर लेंगे. ठीक है. ध्यान दें. ध्यान दो यार. मास को मैं क्या लिख सकता हूँ? Density into volume. Volume of a cylinder क्या होता है? Pi r square n. डिवाइडेड बाय एन और एल क्या हो जाएगा सप्ताह उसको चाहिए अभी सब के सप्ताह में सबको पता है छोटे निर्णय दिया आंसर है ना thank you for coming
Did everyone remember this? Pi ko pi rakho. To answer kya? Indian ko meter mein convert karna padega. कैलकुलेशन सीखिए तो जो भी है आंसर आ जाएगा बस आना है नहीं अभी तो सब्स्टिट्यूशन ही करना है और जब मैं आ रहा हूँ ये टेंशन कितना नहीं है 100 ओके एक सेंस अब मैं वैल्यूज बता देता हूँ टेंशन दिया 100 टेन पास चला जाएगा टेंशन कितना दिया 40,000 दिया 2,000 दिया अलग अलग कर 20 जिसे बचा टेन बाहर चला गया ठीक है तो वो टेन यहाँ पे टेन कैंसिल हो गया ठीक है बाद में 20 रेडियस कितना दिया 4 मिलीमीटर ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा 16 इनटू यहां पे 10 एस टू माइनस मिलीमीटर मिलीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 6 ठीक है तो माइनस 6 नीचे बचा था माइनस 160 अब यहां पे 160 10 एस टू 3 ऊपर चला जाएगा 10 एस टू 3 डिवाइडेड बाय वरना ये 20 को बाहर ही रखते हैं ये रेडियस को बाहर लेके जाते हैं 160 कितना था 16 था ना ये ठीक है तो 4 को बाहर ले लो यहां से तो 10^3000 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना था 4 मिलीमीटर ना तो 4 × 10^2 ओके ये 4 बाहर निकल 4 बाहर आ जाएगा ठीक है 4 बाहर आ जाएगा और 1/√20 20 में से भी 2 बाहर ले सकते हैं ठीक है तो यहां पे 1/√π एंड 4 to 8 1000 डिवाइडेड बाय 125 डिवाइडेड बाय √π 125 डिवाइडेड बाय √π आ जाएगा देखिए एनीवन देखिए ना सिंपल कंप्यूटेशन है टेंशन कितना आ रहा था 100 आ रहा था डेंसिटी कितना था 2000 इनटू पाई है रेडियस कितना है 4 × 10^-3 बराबर होल स्क्वायर ये तो ये जीरो दो जीरोस कैंसिल आउट ये सीधा रूट ऑफ स्क्वायर बाहर ले सकता हूं मैं ठीक है तो सीधा जैसे है वही टर्म बाहर आ जाएगा स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट आ जाएगा ना यहां से अंदर क्या बचा फिर रूट के 1/√25 20 में से मैं 2 मैं बाहर ले सकता हूं तो 2 बाहर आ जाएगा तो 8 आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 8 इनटू √π सॉरी इनटू √π 1000 में 8 क्या 125 है ना 125 डिवाइडेड बाय √π ठीक है ओके आई होप सो एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस ठीक है यू विल टेक 5 मिनट्स ब्रेक बट 9:45 के अंदर सब आ जाते चलिए ठीक है अगर 9:40 वहां पे नहीं है 9:45 के अंदर सब आ गए अंदर आ जाने से अंदर दरवाजा आपके लिए बंद हो जाएगा
We will continue with the next part. So, अगर आपका half page या उससे ज़्यादा occupy हो गया है, start on a new page. Otherwise, leave some lines and then continue. Okay? Okay? So, we will continue with the next part. That is sound. Sound के बाद वापस आप लोग wave पे आएंगे. Reflection of the wave वगैरह सब देखेंगे. तो यहाँ पे ऐसे ही chapter continue होता है. We will understand why I am continuing with the sound. ठीक है? चल. So, अगर आपका हाफ पेज से ज्यादा ऑक्यूपाई हो गया है तो राइट डाउन ऑन अ न्यू पेज साउंड उसके नीचे लिखो. हम लोग वापस वेव्स पे आएंगे इसके बाद इंसर्ट वेव्स या फिर जनरल वेव्स पे. ठीक है, पहले साउंड पे आते थे. ठीक है, तो राइट आपको समझ में आ जाएगा मैं यहाँ पे साउंड क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है, नोट साउंड उसके नीचे लिखो लेवल आइडर राइट डाउन लेवल आइडर राइट डाउन properties of sound waves properties of sound waves ये एक लेक्चर का ही है. ठीक है, तो हो जाएगा नेक्स्ट टाइम. चलिए वापस हम लोग वापस वेव्स पे आएंगे. रिफ्लेक्शन एंड वेव्स और ट्रांसमिशन ऑफ द वेव फ्रॉम वन स्ट्रिंग टू अनदर. अभी तक उन्होंने एक ही स्ट्रिंग में वेव प्रोपगेशन देखा, जब दो स्ट्रिंग हम लोग कनेक्ट करते हैं उसके रेडियस के ऊपर कैसे इफेक्ट होता है एवरीथिंग. उसके बाद हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ द वेव्स देखेंगे जो आपको ऑसिलेशन में वो सब्स पे आपको दिखे रहेंगे. ठीक है, ऑसिलेशन में आपको सुपर पोजिशन ऑफ द वेव्स पे भी सब्स मिलेंगे. ओके राइट डाउन वो अभी हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, पूरा डिटेल में. ठीक है, राइट डाउन फर्स्ट देखो साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव. Longitudinal wave, तो ये थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट होता है as compared to the transverse wave. ठीक है, अगर longitudinal wave है तो vibration of the particle will be parallel or perpendicular to the wave. Parallel आप कैसे निकालोगे? Perpendicular तो आपने wire से बट वही सब लिख दिया. Parallel ठीक है, आप कैसे लिखते हो वो आप लोग देखिए. ठीक, तो अगर मुझे बताओ if sound travels in the form of longitudinal waves, तो उसपे crest and trough होगा क्या? It therefore contains compression and rarefaction. ठीक है, प्रेशर वेव की तरह ट्रेवल करता है. ठीक है, कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन. Wave, since it is a wave, it will obey third pointer. Since it is a wave, it will obey the laws of reflection and refraction. Then obey the laws of reflection and refraction. Laws of reflection and actual light may be out there. Okay. Refraction, do not talk. Advent, you have to take. That's it. Laws of reflection and refraction. मुझे बताओ अगर
रिफ्रेक्शन है मतलब क्या हो रहा है, मीडियम चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, बेसिकली लॉ यही होता है रिफ्रेक्शन का। जो स्नेल्स लॉ वगैरह सब आगे की बात है, वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए देख लो, अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है, रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हां बोलिए सर, जस्ट लाइट वेव और पार्टिकल्स साउंड वेव के टर्म में ही प्रोपगेट करता है, बट उसको पार्टिकल मीडियम लगते हैं लॉर्ड, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जरा चेक द पैटर्न इंटरनेट। अब जैसे कि अगर ग्रेविटेशन पे मैं देखूंगा, ग्रेविटेशन भी एक्चुअली वेव ही है, वो कैसे वेव की तरह बिहेव करता है, मैं चेक कर पाता हूं, मैं भी लॉर्ड चेक करता हूं। अरे ये बहुत डिफिकल्ट है आपको ये समझ में। The velocity of the sound wave, the velocity of a sound wave is given by, the velocity of a sound wave is given by v is equal to, यहाँ पे formula देख लो, e by rho, साइड में लिखना, कैपिटल ई, कैपिटल ई जो है वो है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ध्यान से लिखना ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, एंड रो लिखना, रो लिखो डेंसिटी मीडियम, रो विल बी द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, रो विल बी द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ध्यान से लिखो। टेबल आई विल राइट आउट, फॉर अ सॉलिड, फॉर अ सॉलिड मीडियम, फॉर अ पॉइंट नहीं है, ठीक है, फॉर अ प्रॉपर्टीज हो गए, ठीक है, उसके नीचे लिखना फॉर अ सॉलिड मीडियम, सेम फॉर्मूला, ध्यान से देखो, कैपिटल ई के जगह पे कैपिटल वाई आ जाएगा, फॉर अ सॉलिड सॉलिड मीडियम, फॉर अ सॉलिड मीडियम बी इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई बाय रो आ जाएगा, कैपिटल वाई बाय रो, कैपिटल वाई क्या है यहाँ पे, यंग्स मॉडुलस, कैपिटल वाई क्या है यहाँ पे, यंग्स मॉडुलस। कैपिटल वाई है यहाँ पे यंग्स मॉडुलस, ठीक है, रो तो डेंसिटी है, ठीक है, उसके बाद अगर आप ये सब टर्म्स देखोगे तो यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑल दिस टर्म्स यू स्टडी इन इलास्टिसिटी व्हिच इज मेजरली, अगर आप इलास्टिसिटी का मेजर पार्ट देखोगे, इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है, सो रॉबर्ट हुक वाज अनदर साइंटिस्ट, ओके, During the era of Newton, there was another scientist, Robert Hooke, but उनका आपको एक भी पोर्ट्रेट कहाँ पे भी नहीं मिलेगा, उनका कोई फोटो नहीं है, रीजन उसका एकदम सिंपल है, पोर्ट्रेट तो बाकी के लोगों के भी नहीं, उनके टाइम पे कैमरा नहीं था, रीजन एकदम सिंपल है उसका, at that time Robert Hooke challenged Newton's laws, some of the Newton's laws, okay, or tried to take credit to many of the Newton's laws, and at that time Newton was the head of the scientific department in the UK, so unke sirf do portrait the, but since Newton was the head of the department, he destroyed both these portraits, okay, a real story. आपको रॉबर्ट कोई भी पोर्ट्रेट नहीं मिलेगा, आपको रॉबर्ट का कोई भी आपको पोर्ट्रेट वगैरह नहीं मिलेगा, तो आपको जैसा फोटो निकालने निकाल सकते।
तो मोस्ट ऑफ दिस लॉ वन गिवन बाय रॉबर्ट हुक. आप ये इलास्टिसिटी में देखोगे, इलास्टिसिटी एकदम छोटा सा चैप्टर है, वन वन एंड हाफ लेक्चर का चैप्टर है, कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं. यहाँ पे आप दो तीन टर्म देखोगे, स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह क्या होता है. वी आर नॉट गोइंग टू यूज मेनी टर्म्स इन दिस, ठीक है. स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह के टर्म्स हम यूज नहीं करने वाले, ठीक है. दिया राइट एंड राइट डाउन सेम वेलोसिटी ऑफ क्या लिखा है फॉर अ सॉलिड मीडियम, ठीक है. तो उसके अच्छे लिखो फॉर लिक्विड्स एंड फॉर गैसेस, फॉर लिक्विड्स एंड फॉर गैसेस सेम फॉर्मूला कैपिटल ई के जगह पे कैपिटल बी आ जाएगा, ठीक है. और आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है बल्क मॉड्यूलस, ओके. सेम फॉर्मूला, ठीक है. तो बी क्या है? बल्क मॉड्यूलस, ठीक है. न्यूटन incorrectly assumed that Newton incorrectly assumed that the propagation of a sound is an isothermal process. इसे ना isothermal, इसके सब derivation हैं, but derivation करने की जरूरत नहीं, थोड़े बढ़िया derivation जरूरत नहीं है सब करने की, ठीक है. So write down. Newton incorrectly assumed that the propagation of sound is an isothermal process and hence gave the formula is P pressure and rho density, okay. Bata do, okay. Very well, okay. तो अब यहाँ पे v equal to root of p by rho आ गया. तो अब यहाँ पे देख लो एवरीवन. सो इफ आई सब्स्टिट्यूट एटमॉस्फेयर में वेलोसिटी ऑफ द साउंड कितना आता है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द नॉर्मल एटमॉस्फेयर? रफली 332 मीटर पर सेकंड रहता है रफली. एट 0 डिग्री सेल्सियस रफली 332 होता है. ये आपने पहले भी किया, आपने 340 के आसपास लिया रहेगा, ठीक है. एवरीवन लोग 333-340 के आसपास लिया. अभी वेलोसिटी ऑफ द साउंड कांस्टेंट ही रहता है, मीडियम टू मीडियम चेंज होगा, बट वी विल चेक दैट पार्ट अ लिटिल बिट लेटर. यहां पे ध्यान दो. सो न्यूटन गिव दिस फार्मूला. ये फार्मूला में एक प्रॉब्लम है कि इफ आई यूज दिस फार्मूला, मुझे ये फाउंड वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड वैल्यू है, बट इफ आई यूज न्यूटन फार्मूला, सो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.013 * 10^5 होता है. एंड डेंसिटी, डेंसिटी होता है रफली 1.29 होता है, ठीक है. ये याद रखो वैल्यू एयर का जनरल. अभी ये मॉइस्चर ज्यादा होगा कम होगा तो फर्क पड़ेगा, बट ऑन एन एवरेज इतना रहेगा. इफ आई यूज न्यूटन्स फार्मूला, आप ध्यान से देखो. सो इफ आई यूज द न्यूटन्स फार्मूला, वेलोसिटी केम आउट टू बी रफली अराउंड 280 मीटर पर सेकंड, बट कितना आना चाहिए था? सो फर्स्ट कॉपी दिस लॉ, इसके ऊपर लिखो. आप पहले ये लिख दो, ये फार्मूला लिख दो, ठीक है. उसके अच्छे लिखो एक्चुअल वैल्यू, actual velocity, ठीक है, actual value of the velocity, ये actual value of the velocity है, ठीक है. से first लिखो, हो गया? actual value of the velocity, second बस लिखो, सिर्फ ये लिखना है, 332 meter per second, उसके बाद लिखो velocity using Newton's formula. Using Newton's formula, और last के तीन steps copy कर लो, last के तीन. Approximately आये, थोड़ा सा 278 के आसपास आता है अगर आप actual calculate करो. तो last में क्या PA निकाला? P rho और velocity. कौन सा वाला पढ़ा? last का ना, unit pressure का. पकड़ा? ओके. तो डी वन आइलैंड राइट ऑफ
Hey, you say anyone? Note this part. Leave a line and write down. Laplace correction. LACE. Laplace correction for Newton's formula. Laplace correction for Newton's formula. If you check, Laplace का भी अगर आप आगे जाके study करोगे, there is something called as Laplace transformation everything. But if you go to that part, if you check Newton का हर एक section में electrodynamics और modern physics में छोड़ के हर एक section में Newton का major contribution है. For example, mechanics तो पूरा Newton law पे ही चलता है. Second, if you consider heat में भी था Newton's law cooling. Third, देखोगे तो यहाँ पे sound, even if you consider sound में भी Newton का contribution है. And there is also in optics में Newton's corpuscular theory है. ठीक है, but Newton was majorly a mathematician as compared to the physicist, क्योंकि यहाँ पे Newton gave the basic formula for all the calculus, जो भी आपका basic sine, cos वगैरह या फिर calculus कैसे find करते हैं. Basically Newton gave that formula. ठीक है, he was a very smart person, but लोगों ने न्यूटन के थ्योरीज को चैलेंज किया. ओके, आप देखोगे ऑप्टिक्स में भी है, ऑप्टिक्स में भी जैसे समथिंग कॉल्ड एज ह्यूजेंस थ्योरी या हाइजेंस बोलते हैं, उनका भी थ्योरी इट गॉट पब्लिश्ड आफ्टर 25 to 30 years after Newton's death. Okay? So even though that theory came into the picture almost at the same time as compared to Newton's theory. So it is a little bit of controversial topic. So but he was a very smart person and he was also a politician. If you consider all people, जो Newton है, even the Laplace transformation करके एक चीज होता है, which he was studying engineering, ठीक है? He is also a mathematician. Newton was majorly also a mathematician. If you have heard Lagrange, Lagrange भी mostly mathematician ही है. He was also majorly a mathematician. क्योंकि he gave the formula of job का AP का formula रखता है, mathematic progression. He gave that formula, ठीक है? At the age of 8 or 9 age. So now Laplace gave a transformation या फिर Laplace gave a correction to Newton's formula. वो correction क्या है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है? So write down. Actually Newton ने in order to calculate the velocity of the sound he made a very silly mistake. वो silly mistake क्या है मैं बता देता हूँ. So write down. Laplace. ये सब बात पे आ रहा है. So write down. Laplace gave a correction.
Right now, Laplace gave a correction to Newton's formula. Laplace gave a correction to Newton's formula by assuming the process to be adiabatic in nature. By assuming the process to be adiabatic in nature. उसके नीचे ये फॉर्मूला लिख दो v is equal to root of gamma. Gamma आ जाएगा. Gamma क्या होता है? अभी गैमा किस पर डिपेंड करेगा? एयर क्या है, मोलर एटॉमिक है, डायटॉमिक है या पॉजिटिव एटॉमिक है? एयर में मेजर कंस्टिट्यूएंसी किसका? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. वो कब देना? गैमा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.4 the process to 330 meter per second aa jayega, which is okay. Yahan pe sirf 2 meter per second ka difference hai, itna hum log error tolerate kar sakte hain, theek hai. But yahan pe agar aap dekhoge error bahut zyada hai, theek hai. 13 nahi, usse bhi zyada percentage ka, 20% ke aas pass ka error, theek hai. 56 na 52 hai, to roughly 20% 18-19% ka error. But yahan pe error is very small, okay. Just copy this. अगर आप देखोगे तो टेस्ला वाज आल्सो बहुत बहुत शॉर्ट but if you check his career derailed after his joint engineering. Maybe Sachin. Yeah. His career derailed after he joined engineering. The company is a company mein patent thing. मैं talk about that later. मैं क्या मैं electro dynamics से बात कर रही हूँ. Everyone लोग क्या करो. So velocity velocity का यहाँ पे formula क्या है? Root of gamma v by रो. Everyone let us complete this part quickly. So आप यहाँ पे देख लेते हैं. Everyone look here. So let us just complete this part quickly. So आप यहाँ पे देख लेंगे. Everyone look. So ये वाला formula ध्यान रखना. Okay. So ये वाला formula ध्यान रखो. Okay. V is equal to root of everyone look here. Gamma p by rho. तो यहाँ पे root of gamma p. Rho को हम लोग क्या फटाफट ही complete कर रहे थे एक last part में. ठीक है. Rho को मैं क्या लिखा था? Mass. Mass upon volume. Volume ऊपर चला जाएगा. तो ऊपर क्या आ गया? PV आ गया. PV is equal to NRT. So V is equal to root of gamma NRT divided by M. अगर आप ये terms देखोगे, gamma constant है या variable है? Constant. If you check N, N भी number of moles constant है लेकिन mass constant है, R constant है. फिर ऐसे V is directly proportional to root T. जो same CRMS के लिए भी आता है. CR, do not write. CRMS is directly proportional to root T. एक लास्ट डेरिवेशन है, ये आपको पूछते हैं, छोटा सा डेरिवेशन है. बट इसके आने के चांसेस अगर आप देखोगे तो 50-50 है, मतलब 40-60 है. 40% आएगा, 60% नहीं आएगा. ठीक है. सो बट फिर भी आपके दिया है टेक्स्ट बुक में, इसलिए मैं करा हूं. बट यहां पे ये वाला डेरिवेशन आने के चांसेस बहुत कम है. सो लेट अस कंप्लीट दिस पार्ट क्विकली. मुझे बताओ ये डिपेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑन टेम्परेचर आ जाएगा. कह रहे से v1 / v2 = √ of t1 / t2 बराबर. So this formula is applicable. जो भी मैं formula apply कर रहा हूँ, that is applicable only for small change in temperature. Large रहेगा तो हम लोग apply नहीं कर सकते. But similar derivations आपको gravitation और electrostatics में.
तो मेथड ऑफ डेरिवेशन देख लो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ध्यान देंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड, अभी ये जो 332 आया है मीटर पर सेकेंड, इट इज ऑब्टेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस एट द सी लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, लास्ट एंड डेरिवेशन कंप्लीट कर लेते हैं। V1 यहाँ पे आया 332 मीटर पर सेकेंड एट द सी लेवल एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड में देखो यहाँ क्या करेंगे। So, क्या? अब V2 जो है 0 डिग्री सेल्सियस, मेरे बताओ ये केल्विन में क्या हो जाएगा? So, over here, can I write this as 273 केल्विन? ध्यान देना, अब V2 मुझे फाइंड करना है, पता नहीं कितना है, but I have to establish certain relationship, and ये T1 है, और T2 ले देते हैं हम लोग थीटा डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना हो जाएगा? 273 प्लस थीटा बराबर है ये, तो V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 डिवाइडेड बाय T2। ठीक है, अब यहां पे देख लो, V1 के जगह पे लेट मी सब्स्टिट्यूट 332, V2 पता नहीं कितना है। ठीक है, T1 के जगह पे आई विल सब्स्टिट्यूट 273 डिवाइडेड बाय 273 प्लस 273 प्लस थीटा। ठीक है, सो V2 का वैल्यू आ जाएगा, अब यहां पे ध्यान से देखो, 332 into root of 273 plus theta divided by 273 बराबर है ये, बराबर है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर डेरिवेशन आपको आता है तो ध्यान देना। If I consider V2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, next step बहुत important है, 1 plus theta divided by 273 raised to half। क्या किया है मैंने? पहले तो denominator को split कर दिया, तो 273 by 273 क्या हो जाएगा? बात right hand side में क्या बचा? plus theta divided by 273 root है, root को मैं क्या लिख सकता हूँ? half। ये ध्यान दे रहे हैं आप, okay? do not write, so over here binomial expansion आपको आता है थोड़ा बहुत? मुझे आता है, मुझे कर दो। ठीक है, 1 plus x raised to n approximately 1 plus nx होता है, इतना ध्यान रखना, क्योंकि एक सेम ग्रेविटेशन में बहुत बार आपको JW में अप्लाई करना। If x is very small as compared to 1, ये कंडीशन है, ठीक है? एरिवल लो। तो यहाँ पे इसको मैं लिखूँगा V2 is equal to 332, 1 plus n का वैल्यू कितना है? यहाँ पे x is equal to n का वैल्यू कितना? half, half into theta divided by 273, बराबर है ये? ये स्टेप आपको याद रखना है, ये स्टेप आपको आता है बहुत बार। सब यहाँ पे देखो, V2 इज इक्वल टू, अगर मैं सेपरेट कर दूं वैल्यूज, तो ये 332 हो जाएगा प्लस 332 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 273 इनटू 273 इनटू थीटा, बराबर है। ये जो फैक्टर है, मुझे फैक्टर का वैल्यू चाहिए, जिस कॉपीज ना, ये लास्ट पार्ट है, बस मुझे फैक्टर का वैल्यू बोलो, इट विल फाइंड आउट 332 plus something into theta आ जाएगा। बड़ा
तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आप 0.6 लिखोगे, बस 0.6 थीटा, मतलब जहाँ पे मैंने गैप छोड़ा है वहां पे आएगा V2 = 332 प्लस 0.6 थीटा, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस अगर राइज हो जाएगा टेम्परेचर तो वेलोसिटी कितने से इंक्रीज होगा, 0.6, बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल डिफरेंस इन टेम्परेचर, मतलब अगर 10 डिग्री 15 डिग्री दिया है तो ठीक, बट अगर एकदम 273 से 500 हो रहा है नहीं कर सकते. आई होप सो दिस इज क्लियर. ठीक है, एसएचएम के जो बच्चे हैं वो आप वेडनेसडे को कंप्लीट करके लाओगे. नेक्स्ट टाइम वेडनेसडे को कंप्लीट करके आओगे एंड वेडनेसडे को आफ्टर दैट वेडनेसडे को लाओ. के बाद अपने डाउट्स ले लेंगे जो भी लेंगे. ठीक है, चलो वेवे ग्राइंडर से लेंगे. ओके नेक्स्ट, चलो वेवे ग्राइंडर से लेंगे.